हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम study.com। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज वन एग्जाम है उसको कैसे टैकल करें, किस तरह से आपको अपना जो भी लास्ट के अभी 15-16 दिन जो बचे हैं उसमें आपको कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, कैसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एग्जाम से, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह और मैं ब्लॉग करता हूं bankexamstudy.com पे। एंड अभी तक अगर आपने जीके डाइजेस्ट हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है प्लीज उसे दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम का पैटर्न। अगर आपने फॉर्म भरा है तो अभी तक आपको पैटर्न तो ऑब्वियसली पता ही होगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न है जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, एप्टीट्यूड। तो ये 200 मार्क का पेपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चंस एक एक सेक्शन में आपको ऑलरेडी आई थिंक पता ही होगा। पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो आपको आइडिया ऑलरेडी होगा कि जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में 60, 30, 30, इंग्लिश और क्यूटी में। तो मैंने एक आइडियल, जैसे अटेम्प्ट कहते हैं, ये आपकी आइडियल अटेम्प्ट मैं बोलूंगा। अभी तक पेपर नहीं आया है एग्जैक्ट पेपर, इसीलिए मैंने 120 से 135 एवन 145 भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था आई थिंक 102 इतना का था, शायद 102.5 था, यस। तो इस साल कट ऑफ कुछ अगर तो पेपर का लेवल वही हुआ सेम तो 105 107 जाएगा, हायर नोट पे 110 भी जा सकता है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से और करंट ट्रेंड के हिसाब से ये मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस में, जो अटेम्प्ट 100% एक्यूरेसी रखिए। सबसे बड़ी पहली बात, 100% एक्यूरेसी के साथ आपने पेपर करना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउटफुल हैं तो उसे अटेम्प्ट मत कीजिए। जनरल अवेयरनेस में 100% एक्यूरेसी रखिए। ये वैसे 46-48 ये कोई नंबर नहीं है, अगर आपको 80 में से 80 आते हैं और आप 100% श्योर हैं तो 80 कीजिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मेरे पिछले बैच में जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाता हूँ, उसमें एक स्टूडेंट के 77 आए थे, शायद मेरे भी ना आते इतने, लेकिन किसी ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो पिछले मेरे बैच में थे वो 60 प्लस स्कोर उन्होंने कर दिया था जनरल अवेयरनेस में। लास्ट ईयर जनरल अवेयरनेस का पेपर बहुत सिंपल आया था। यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। चाहे अगर आपको जितना आता है 40 से लेके 80 तक आप जितनी चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रखें। और आधे घंटे में 80 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, अगर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पे तो आधे घंटे में आप कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में से 60 क्वेश्चन आएंगे। अभी इसके बाद जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और पिछले सालों में कितने क्वेश्चन आए थे पिछले साल, और इस साल क्या उम्मीद है किस टाइप का एग्जाम का एग्जैक्ट कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है। तो ये वैसे अटेम्प्ट्स मैं प्योरली रिकमेंड ऐसे करता हूं कि इंग्लिश, क्यूटी, रीजनिंग, इनका तो पूरा प्योर है कि 60 में से 40 की अटेम्प्ट अगर आप पकड़ के चलें और इसमें से 25 की पकड़ के चलें और 20-22 की यहाँ पे, 20 की यहाँ पे, तो देख लीजिए अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट निकल के आ जाता है। 85 प्लस आप कह लीजिए आराम से। ये सारा जो अटेम्प्ट है ये डिपेंड करता है जीके पे, जनरल अवेयरनेस पे। 80 टू 85, तो इन तीनों सेक्शंस में 80-85 का अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। बाकी इसमें डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। हो सकता है कि आप 60 अटेम्प्ट करके आए तो यहाँ पे आपका 140 बन जाएगा, हो सकता है आप 70 अटेम्प्ट कर पाए तो आपका 150 अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ आइडियल अटेम्प्ट में मेरे को 120 से 150 ही लगाइए, 150 पॉसिबल है क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस 80 मार्क का है। आप ये नहीं कह सकते टाइम नहीं मिला था, 80 मार्क का जनरल अवेयरनेस है। 70 अगर यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं तो बाकी के टाइम आप क्या करेंगे। आप देख लीजिए 2 घंटे का पूरा पेपर है। तो बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस लास्ट के एग्जाम्स और इस साल के एग्जाम्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो एक ब्रेक इवन है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का वो ऐसे है, 29 से 30 मार्क जो हैं वो बैंकिंग से आते हैं। 29 से 30 मार्क बहुत बड़ा नंबर है। करंट अफेयर्स 24-25 और 24-25 का ही स्टैटिक जीके। अभी अगर मैं बात करूं तो
बैंकिंग अवेयरनेस का तो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का मेरे पास ऑलरेडी एक गाइड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। स्टैटिक जनरल अवेयरनेस का भी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है एंड बैंकिंग अवेयरनेस का भी एक पीडीएफ अवेलेबल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। करंट अफेयर्स आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लें, और जून की अगर 17 को एग्जाम है तो पहले 15 दिन का करंट अफेयर जरूर पढ़ें। इस साल जैन से शुरू कर लें, जनवरी से, 2017 जनवरी, तो तब से लेके पूरा पढ़ें। और यहाँ पे एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट ये ध्यान देने वाली हैं, करंट अफेयर्स को आप कुछ हिस्सों में बांट लें, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो इन सब में से एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन इन सब में से आते हैं। और जनरल अवेयरनेस का मैं एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप मेरा पिछला वीडियो जो है उसका लिंक मैं अभी यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, बिल्कुल एग्जैक्टली आप यहाँ पे मैं आपको लिंक दूंगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लें और वीडियो को देखें कि जनरल अवेयरनेस का एग्जैक्टली सिलेबस कहाँ है। तो जनरल अवेयरनेस तो यहाँ पे करंट अफेयर पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। बैंकिंग अवेयरनेस 29 से 30 मार्क, स्टैटिक जीके 24 से 25, 24 से 25 ही करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हिस्सों में बांटना है, 7 हिस्सों में हम बांटते हैं, सातों का अलग अलग पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा जो लेटेस्ट बैंकिंग अवेयरनेस है पिछले 3-4 महीनों का आप पढ़ें तो बहुत बेहतर होगा। स्टैटिक जीके वही है, पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं, मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट डेज, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वही जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, लिंक मैं दे चुका हूँ वीडियो का, तो इसको जरूर देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसमें क्या क्या आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन 10 से 15 मार्क का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। 10 से 15 मार्क का बोल सकते हैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा देखने को। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, एसबीआई पीओ मेंस के लेवल का आपको डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये पहले क्लियर कर दूं। ज्यादातर जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ वो टेबुलर फॉर्म्स में होते हैं, भी मिसिंग डेटा वगैरह होता है, क्योंकि ज्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा पेपर होता है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में वही डबल डायग्राम और टेबल्स वगैरह आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। लास्ट ईयर भी इसमें से 5 नंबर का पेपर आया था डेटा सफिशिएंसी में। आईबीपीएस, एसबीए वगैरह एग्जाम्स में डेटा सफिशिएंसी बहुत कम आता है, लेकिन आरबीए में मैंने नोटिस किया है हर साल आता ही आता है। 5 मार्क का ये आप पकड़ के चलिए, 0 to 5 मार्क्स यहाँ पे जरूर आएगा। सीरीज सीरीज नंबर सीरीज में से 5 मार्क ये तो गारंटी रहती है हर एग्जाम में आजकल, या तो मिसिंग नंबर या कंप्लीट द सीरीज, ये 5 मार्क का आएगा ही आएगा। इसका मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, वर्कबुक, 185 क्वेश्चंस का वर्कबुक है मेरे पास। ज्यादातर जो ऑलरेडी जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे विद सॉल्यूशंस, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसका डेटा इंटरप्रिटेशन का भी पीडीएफ है। इन सब के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है आरबीआई ग्रेड बी का, जिसमें पूरे कोर्स में आपको सारे के सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, सारे आपको क्विजेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो फेज 2 का मॉक टेस्ट होगा वो हम मैनुअली चेक करेंगे, मैनुअली चेक कर करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको बताएंगे क्या क्या आपकी गलतियां थी, कैसे कैसे कहाँ 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 प्रॉब्लम थी, और लाइव सेशंस बहुत कुछ है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जस्ट 35 स्टूडेंट्स, हम ज्यादा नहीं है। तो डेटा सफिशियंसी का भी एक पीडीएफ है हमारे पास, तो वो बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, काफी पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो बाकी का जो 10 मार्क का यहाँ पे है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये जो नॉर्मल से टॉपिक होते हैं 10 मार्क का इसमें से आएगा। ज्यादा आप नोटिस करेंगे कि क्यूटी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जनरल अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है 80 मार्क का पेपर यहाँ पे डाल के। तो आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप देखें, 10 से 15 मार्क का सिटिंग अरेंजमेंट हर बार आता ही आता है, और इस बार भी आएगा।
वही सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट होगा, कुछ लोग फेसिंग इनसाइड, सम पीपल आर फेसिंग आउटसाइड, तो ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट देखने को जरूर मिलेगा। बाकी वो स्क्वायर शेप वाला भी मिलेगा देखने को, बाकी रैंकिंग्स वगैरह भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, ये 10 से 15 में रैंकिंग्स या फ्लोर बेस्ड जो होता है, पजल होता है, वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, सेटिंग अरेंजमेंट या आप कह लीजिए पजल्स। 10 से 15 मार्क का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 20 भी जा सकता है, 10 से 20 भी हो सकता है। तो बाकी ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एग्जाम एनालिसिस एग्जाम के बाद होते हैं, लेकिन बाद में देखने का क्या फायदा, पहले आपको थोड़ा बताया जाए कि ऐसा पेपर आएगा तो वो ज्यादा बेहतर है। तो कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबी ग्रेड बी के लिए, क्योंकि बाकी के एग्जाम्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे होता है। कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल होता है, बाकी के टॉपिक से पजल या सेटिंग अरेंजमेंट अगर आप अगर ये सेक्शन करने बैठे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स पे आप जाइए, फिर ये वाले टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, ये जिन टॉपिक्स में मैं अभी टिक लगा रहा हूँ, सैलॉग या इनइक्वालिटी, ये बहुत ही ईजी हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो सबसे पहले इन टॉपिक्स पे जाइए, बहुत कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क लेकर आएंगे, मार्क्स, क्योंकि यही तो आपका गोल है, टाइम कम खर्चो और मार्क्स ज्यादा लेकर आओ, ऐसे ही लेकर आएंगे। आपने इजी से इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं, जनरल अवेयरनेस में तो कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डिफिकल्ट है। बट रीजनिंग में मैं आपको बोलूंगा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं, एक आप या तो आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, या तो आप ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंड वीकनिंग ऑफ आर्गूमेंट ये कर सकते हैं। 5 मिनट में आप क्या करेंगे, अगर तो आप ये सिटिंग अरेंजमेंट करने बैठेंगे तो 5 मिनट में आपको मिलेगा 0 मार्क, मोस्ट प्रोबेबली 0 मार्क, क्योंकि 5 मिनट में कर तो पाएंगे नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते 5 मिनट में। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट से इन्फ्रेंसेज या कॉस ऑफ एक्शन करने बैठेंगे, तो हो सकता है 5 में से आप 3 या 2 मार्क लेकर आए, बिकॉज ये पार्ट्स में बटा हुआ है, हर एक क्वेश्चन अलग है, ये कुछ बंडल नहीं है, कुछ सेट नहीं है। सेट्स में क्या होता है, सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर सॉल्व हो गया पूरे का पूरा सेट तो आपको 5 मार्क एक साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप बीच में हैं, 5 मिनट बचे थे आपके पास, तो वो खत्म टाइम। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर वो ज्यादा टाइम आपके पास एंड में नहीं बचा है, तो पूरे बड़े बड़े सेटअप ना करें एंड के 10 मिनट में। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये भी थोड़ा रिलेटेड सा ही है, 5-7 मार्क इसमें से जरूर आएंगे। सिंबल एंड लेटर बेस्ड कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, साइलॉग, इनइक्वालिटी, इन सब में से आप कह लीजिए 5-5 मार्क के आपको इन सब में से देखने को मिलेंगे। वही आप कह लीजिए नॉर्मल सा सिलेबस है रीजनिंग का भी, लेकिन थोड़ा मार्क्स ज्यादा दिए हुए हैं, तो आप कह लीजिए पजल्स एक दो डाल सकते हैं, 2 पजल्स आ जाएंगी, 2-3 आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो IBPS SBI से कुछ डिफरेंट क्या होगा, अगर 60 मार्क आपको दे रहे हैं तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट यही है स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंसेस, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं बाकी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम्स में, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एक नॉर्मल जैसे 1 या 2 RCs आपको जरूर देखने को मिलेंगी 10 मार्क की, इसी के अंदर ही वोकैब होगी, इंग्लिश RC के अंदर आपको वोकैब देखने को मिलेगी, इसी के अंदर ही आपको क्या कह सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम आपको देखने को मिलेंगे, और जो RC होगी वो बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड ही होती है नॉर्मली, ये IBPS या SBI के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा कॉमन और अजीब से तरह के टॉपिक आ जाते हैं, बायो के टॉपिक्स आ जाते हैं, साइंस के टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली मैंने देखा है पिछले 3-4-5 सालों से कि बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक ही डाले जाते हैं। सेंटेंस करेक्शन की बात करें, वही सिंपल सेंटेंस करेक्शन, इसका मैंने PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा, PDF है जो इसकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर इसका लिंक मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईजी होते हैं, ये सभी जो कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा, इसके लिए अगर आपने कोई ग्रामर बुक पढ़ रखी है, अगर आपने कोई भी बेसिक ग्रामर अगर आपका क्लियर है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपका बेसिक ग्रामर जो है बिल्कुल आपका होल्ड है उस पर, तो आप ये सेंटेंस करेक्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स, इवन आप कह लीजिए पैरा कंप्लीशन या पैरा जंबल्स,
या पैरा जंबल्स, ये बड़े आराम से कर लेंगे। और देखिए ब्यूटी, देखिए आपको 15 से 20 मार्क्स सिर्फ बेसिक ग्रामर की वजह से मिल जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रामर करते नहीं, इंग्लिश की तैयारी जो करने बैठते हैं वो सीधा आरसी को हाथ डालते हैं, पहले आरसी करते हैं, तैयारी करते हुए पहले आरसी करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर फिल इन द ब्लैंक्स की टैब को ट्राई कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। ये गलत तरीका है। ग्रामर पढ़िए, ग्रामर जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़िए। बिना न्यूज़पेपर के बहुत मुश्किल है, हो जाता है कई लोगों का, लेकिन बहुत मुश्किल है। द हिंदू पढ़ लीजिए अगर आपको मिलती है तो। लुधियाना में जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे द हिंदू अवेलेबल नहीं होती हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस। ये पिछले काफी सालों से मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके एरिया में द हिंदू नहीं मिलता है तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया को इतना ज़्यादा, क्योंकि बड़ी कमर्शियल न्यूज़पेपर है, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता उसको, नहीं पढ़ता मैं। द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें या द हिंदू पढ़ लें, और कोई अच्छी न्यूज़पेपर आती है तो वो पढ़ लें। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आरसीज ये सब कुछ आपका एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सारा कुछ उसी से क्लियर हो जाएगा। इवन फेज टू में सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो सारा पेपर उसी में से तो आएगा। और करंट अफेयर्स इवन अगर आप न्यूज़पेपर दिन में, मैं नहीं कहता 1 घंटा 2 घंटा लगाएं, अगर आप जस्ट दिन में आधा घंटा देते हैं न्यूज़पेपर को, वो मोर देन सफिशियंट है। आधे घंटा, सिर्फ आधा घंटा फ्रंट पेज पढ़िए, स्पोर्ट्स पेज पढ़िए, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा स्किम करिए। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, आधा घंटा पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत हेडलाइंस पढ़ते हैं, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं थोड़ा सा इन डेप्थ 2 मिनट और दे देता हूँ किसी आर्टिकल को। एग्जाम थोड़ी होना है ना उसका, न्यूज़पेपर को एग्जाम नहीं हो रहा है। आप आधा घंटा पौना घंटा पढ़िए न्यूज़पेपर, आराम से चाय के सिप मारिए कॉफी के, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़िए। सुबह जल्दी उठिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक की और कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। कृपा करके सुबह 6 बजे 7 बजे उठिए, जिम वगैरह जाइए या इधर सैर वैर करने जाइए, और आराम से 7 बजे आप घर पहुंचिए, न्यूज़पेपर उठाइए और 7:30 8 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़िए। और इवन अगर आपको जॉब पे जाना है, हम लोग भी जॉब करते हैं, ये हम कर रहे हैं हमारी जॉब है, फिर भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए आपको, तो नहीं तो एग्जाम नहीं होगा। बाद में स्टूडेंट्स आके हमें कहते हैं सर इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ, इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ मेरा, सर 2 मार्क्स से पेपर रह गया, 3 मार्क्स से रह गया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कह लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको 15 16 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कहाँ आप 1 1 2 2 मार्क से फेल हो रहे हैं, और यहाँ आपका आराम से आपको 10 12 मार्क ऐसे मिल जाएंगे। तो पढ़िए ना न्यूज़पेपर, हर हर बंदा कहता है न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैं इवन मैं नहीं, हर कोई कहता है, फिर भी कोई नहीं पढ़ता है। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, खरीदते हैं 2 3 दिन 2 3 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ते हैं और फिर वहीं पे पड़ा रह जाता है, और मम्मी है घर पे वो बंद कर देती है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। अरे भाई 150 रुपये जा रहे हैं महीने के, 125 रुपये खर्च लो ना, इतनी तो रद्दी इकट्ठी हो जाती है। तो न्यूज़पेपर पे बहुत हो गया, अभी जरूर पढ़ें। तो चलिए हमारा एक कोर्स है तो जिसके बारे में वैसे मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता ही चुका हूँ। इंस्टेड की कोई खास मॉक टेस्ट काइंड ऑफ चीज नहीं है, कोई मॉक टेस्ट वो नहीं है कि हम सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको वीडियो पे आपसे बात कर रहा हूँ अभी, ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और आपको नोट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि वो इधर उधर से बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन जो जरूरत है वो नहीं पढ़ते हैं। इवन फॉर फेज 1, इवन फॉर फेज 2, जो जरूरत है वो नहीं पढ़ते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, बहुत अलग अलग बिखरा पड़ा है मटेरियल, इतने सारे PDF डाउनलोड करे हुए हैं, 500 तरीके के, पढ़ना एक भी नहीं है तो फायदा क्या। तो मैं आपको पूरे एग्जैक्टली नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, क्विजेस आपके रेगुलर होंगे डेली, दिन में 4 क्विजेस डाले जाएंगे, और मॉक टेस्ट जो है फेज 1 का भी और फेज 2 का मैं मैनुअली चेक करूंगा मॉक टेस्ट, और एक एक स्टूडेंट का मॉक टेस्ट चेक करके मार्किंग करके मैं वापस भेजूंगा रिपोर्ट बना के, और अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करूंगा। और ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट करना हो। थोड़ा ठेठा लिख रहा हूं मैं, ये मेरा ईमेल आईडी है और जो नंबर है ये नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही उठाऊंगा। ओके, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको कुछ
पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है। मतलब अभी एग्जाम आने वाला है तो तैयारी कैसे करनी है, बहुत एक फंस चुके हैं। आप ऑलरेडी बहुत तैयारी कर रहे हैं एसबीआई पीओ की, और एसबीआई पीओ के भी पेपर में फेल हो चुके हैं, तो प्री के पेपर में अगर रह चुके हैं, तो ये आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम है वो एसबीआई से बहुत अलग है। इट इज नॉट लाइक दैट एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ पेपर्स, बहुत अलग है। अगर आपका क्वांट और रीजनिंग सही नहीं भी है, अगर मैं आपको वही बता रहा हूं, देखिए, अगर आपका क्वांट और रीजनिंग अच्छा नहीं भी है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। खाली जनरल अवेयरनेस के दम पर ये पेपर क्लियर किया जा सकता है। 80 मार्क, 80 में से अगर 70-75 आप उठा लेते हैं, और यहाँ की आप सिर्फ सेक्शनल का टफ क्लियर कर जाते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। और 70-75, 70 मार्क अगर मैं बोल रहा हूँ, सुनने में लगते हैं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस में लोग इतना स्कोर करते हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग स्कोर करते हैं। आप टॉपर्स का एक मार्कशीट देखिए, वो सब जनरल अवेयरनेस के दम पर ही एग्जाम में टॉप किया है उन्होंने। क्यूटी के बेस पे कोई टॉप नहीं करता है, क्यूटी और यहाँ पे, यहाँ मैं आरबी ग्रेड बी की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्यूटी में 30 में से 30 मार्क भी ले आएंगे और इसमें अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो भी क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन जनरल अवेयरनेस, दिस इज द की टू सक्सेस, ये 80 मार्क ही आपको अचीव करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोर्स को अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक सिर्फ हमारे आई थिंक 27 स्टूडेंट्स हैं, 27-28 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लिंक है ज्वाइन करने का ये मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और सारी की सारी पीडीएफ्स हैं, कुछ एक उनमें से जो पेड हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो कोर्स में मिलेंगी, बाकी जो हमारी फ्री पीडीएफ्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बिल्कुल सब्सक्राइब के बटन के बिना नहीं चलेगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लाइक का बटन मिलेगा, और इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, और आने वाले दिनों में मैं और आईबीपीएस पीओ के लिए और इवन आरबीआई ग्रेड बी के फेज टू के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल बनाने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ हम 4 टीचर्स एक साथ बैठ के हम स्टडी मटेरियल बना रहे हैं आपके लिए फेज टू के लिए। मैनेजमेंट के नोट्स मैं बना चुका हूँ और फाइनेंस के अभी बना रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट रह गया है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें, और लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।